नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होने वाला। मेरा नाम अजीत और आप देख रहे हैं जिस टीवी ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज मैं चलने वाला हूँ दिल्ली के आर्या मार्केट में। तो चलिए आप चल के दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर पड़ता है और कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, चलिए शुरू करते हैं। भैया हम आ गए हैं। अच्छा, हमको से गाड़ी आया है उत्तम नगर ईस्ट वेस्ट, यानी कि दोनों बस 600 मीटर का बस फासला है। तो हम इस टाइम है आर्या मार्केट में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैसा कैसा सामान मिलता है। मैं भी इस मार्केट में आर्या मार्केट में पहली बार आया हूँ। काफ़ी सस्ता सस्ता सामान है यार, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है यहाँ पर। तो चौराहा है, चौराहे के रास्ते ना इधर मुड़ेंगे ना लेफ्ट ना राइट, सीधा हम चलेंगे सीधा और देखते हैं यहाँ पर कैसा कैसा हमें देखने को मिलता है। काफ़ी कुछ यार बढ़िया बढ़िया देखने को चीज़ मिल रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी मतलब कम कम क्वालिटी का सामान मिल रहा है, 99 रुपये में, 100 रुपये में, 500 में सेल, जो आपको और भी मिलेगा कम से कम 1000-2000। गाँव में क्या होता है क्वालिटी मिलता है बट वैसा नहीं मिलता। और इधर चप्पल वगैरह जो है कि काफ़ी सस्ते सस्ते दाम मिलेंगे, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, मतलब मैक्सिमम 200 रुपये। काफ़ी सही है यार, फिर तो दिल्ली से एक्सपोर्ट करो और कहीं और जहाँ जहाँ आपको भेजना है भेजते रहो। यहाँ से कम दाम का सामान ले लेकर यहाँ आप देख सकते हो, काफ़ी कम कम रेट का, ज़्यादा मार्जिन नहीं, कम रेट का लो और बेचते रहो क्या 100 का सेल। आर्या मार्केट यार सही है, दिल्ली का फेमस मार्केट है आर्या समाज मार्केट। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और आप जो है कि ज़्यादा मतलब यानी कि आप क्या सोचेंगे कि 500-1000 रुपये लेकर आएंगे, तो यहाँ से यहाँ का जो है कि कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा क्वालिटी का खरीद सकते हैं। मुझे थका थका सर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, ख़राब भी है बट उसके बावजूद भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉगिंग तो करना है यार। क्या काफ़ी सही सही सामान मिल रहा है यार, इधर लोग मेरे को ही देख रहे हैं बट क्या है कि लोग देखे उस समय क्या मतलब लाजो 200 का सेल। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब सही है यार, 100 रुपये, 200 रुपये। यहाँ पर ज़्यादातर हाईएस्ट क्वालिटी देखा जो 2000 का सामान हो 500, तो काफ़ी सही है, मिलना भी चाहिए। क्या यहाँ पर जो रास्ता है, जो रास्ते में नहीं मुड़ना है, हमको सीधे जाना है। Thank you.
बस यहाँ से जो है कि एक गली का फासला है। गली का मतलब कि जस्ट इसके बगल में गली था, वो था जो है कि आर्य समाज मार्केट का गली। थोड़ी सी, अरे भैया थोड़ी सी आराम से चला दो। तो जस्ट उसके बगल में गली था आर्य समाज का, और जस्ट थोड़ी सी उस 2 मीटर रास्ते बगल में आए तो आया मंगल बाज़ार मार्केट। यानी कभी लग रहा है मंगलवार है, मंगलवार को मार्केट लगेगा। तो अब धीरे धीरे मार्केटिंग की तैयारी हो ही रही है थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी ज़्यादा टाइम, अभी 5 बज रहे हैं ना, 5 बजे 6-7 बजे करीब में पूरा मतलब ओपन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मंगल मार्केट अभी उतना जितना भीड़ था आर्य समाज मार्केट में उतना अभी इधर नहीं है। काफ़ी डर भी लग रहा है कि गाटो वगैरह चल रही है ना, तो थोड़ी समस्या हो रही है। तो समस्या हो तो होती ही रही, क्या करें। ऑटो ऑटो हिल रहा है, ऐसा ना, ऐसा लग रहा है कि कोई चोट ना लग जाए, धक्का हो गया। और मेरे कोई कहेंगे तो पागल हो गया, क्या करता है। बट उन्हें क्या मालूम कि ब्लॉगिंग हम करते हैं, ब्लॉगिंग करना तो हमारा काम है, डेली ब्लॉगिंग करना। और इधर काफ़ी सही है यार दिल्ली में, तो 250 का सेल जरूर, काफ़ी ट्रैफिक इधर लगी रहती है। भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, कोई ना, हमें चलना है। मैं तो रास्ता ही भूल गया किधर जाना है। हाँ इधर जाना है, क्योंकि इधर चौरास्ता है, चौरास्ते में सीधा जाना है। चलेंगे मेट्रो पकड़ेंगे, मेरे को ही देख रहे हैं ये हंसी, मेरी तबीयत खराब। फिर भी हंसता हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है कि देखो, आप चाहे आपको कितना भी टेंशन प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप जब ब्लॉगिंग करते हो आपके मोबाइल के सामने जब आते हो, मोबाइल कैमरे के सामने जब आते हो, तो सारे टेंशन एक तरफ और अपना जो काम है हमें जो ब्लॉगिंग करना वो ब्लॉगिंग के ही तरफ, केवल रियलिटी में कुछ और कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के सामने क्योंकि समस्या प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ साथ होती रहती है। तो हमें इमोशनल से तो ब्लॉगिंग चलेगा नहीं हमेशा, इसलिए अच्छा है कि आप मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़ें। और बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, तो देखते हैं और आगे। नहीं है भैया, भैया कर रहा है Thank you.